अब बारी तीसरे क्वार्टर फाइनल की, जहां पर आमने सामने है धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और सेंट पीटर स्कूल। पहली रेड धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की, पहली कामयाबी जियो जियो मेरे शेर। डीप गए, हैंड टच किया, बोनस का प्रयास था और इस बार एंकल होल्ड, लेकिन लंबे कद के रेडर के खिलाफ बोनस प्लस वन पॉइंट धीरूभाई अंबानी स्कूल। इस तरह का अटैक कामयाब नहीं हुआ क्योंकि डिफेंडर खुद मिड लाइन के पार चले गए, बोनस लिया था और क्योंकि युवराज प्रीत चौबे चले गए थे मिड लाइन के पार, रेडर से बोनस प्लस वन, दो पॉइंट के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के पास। पास पंचाल आए हैं, अब एक और बार बोनस का प्रयास, राइट कॉर्नर पर डिफेंस को पीछे धकेला, नंबर दो और नंबर एक दो पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं। कप्तान खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं, पर पंचल देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैंड टच किया, दो पॉइंट लिए। स्कोर्स लेवल, ये है तीसरा क्वार्टर फाइनल, केबीडी जूनियर्स मुंबई लेग का। एक और एस्केप आर्य का, लेकिन इस बार माना नहीं गया, कामयाबी सेंट पीटर स्कूल के डिफेंस के नाम। यह जबरदस्त डैश है, क्या ताकत दिखाई वहां पर, वन वर्सेस फोर। देखिए बिल्कुल काशरिंग अड़के स्टाइल, हाथ बाहर खोल के रखे हैं हैंड टच के लिए। कर्ज पर पंचाल ने काफी करीब से देखा काशरिंग अड़के के खेल को, एक हॉक की तरह हैंड टच किया, उसके बाद एंकल होल्ड आया। वन पॉइंट सेंट पीटर स्कूल। सेंट पीटर स्कूल अब लीड कर रहे हैं वन वर्सेस टू, क्या ऑल आउट करवा पाएंगे धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल को। जी हाँ, एक और कदम करीब, चार पॉइंट की लीड सेंट पीटर स्कूल के पास। शुरुआत धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ने अच्छी की थी, लेकिन अब एक सही रिदम पकड़ लिया है सेंट पीटर स्कूल ने। एक लौता खिलाड़ी मौजूद, 20 सेकंड की रेट, पॉइंट नहीं लेंगे तो बाहर जाएंगे, टच पॉइंट लेंगे तो साथी खिलाड़ी को रिवाइव करवा पाएंगे। प्रूफ यार, टच पॉइंट मिला है, लेफ्ट कॉर्नर तैयार है और उन्हीं को शिकार बनाया ध्रुव ने। टच पॉइंट लिया, यानी कि एक खिलाड़ी रिवाइव हो जाएगा, लीड अब तीन पॉइंट की हो चुकी है। आर्यमन रिवाइव होकर आए हैं, मोइनुद्दीन खान अब वन वर्सेस। जी हाँ, ग्रुप में वहां पर बहुत जबरदस्त काम किया जरूर, लेकिन मोइनुद्दीन के पास अब मौका है एक और बार एस्केप करने का, लेकिन ऐसा लगता है रेफरी की सीटी पहले बज गई है, रेडर आउट घोषित किए गए हैं। और इसी के साथ पहले हाफ का अंत, ये है तीसरा क्वार्टर फाइनल, एक पॉइंट लीड सेंट पीटर स्कूल के पास। नीला और पीला कभी मिलता नहीं है, हमेशा क्लैश करता है और यही दिखाया जा रहा है, क्योंकि मोइनुद्दीन एस्केप करने की कोशिश की जरूर उन्होंने, और आर्यमन ने दिलवाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को लीड। ये पहला सुपर टैकल इस मैच का, बहुत ही गट्सी टैकल था, ये दिलेरी दिखाई नंबर 6 जर्सी में, और ये हैंड हाथ को पकड़ लिया, उसके बाद सपोर्ट आया सूर्यांश का। वन वर्सेस फोर, आप धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल लीड में, आर्य पर जिम्मेदारी, इस लीड को बढ़ाया और वही किया, शानदार एस्केप, दो टच पॉइंट, क्या पलटवार किया है यहां पर, खासकर आर्यन की रीडिंग में देखिए, और तीन और पॉइंट धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के नाम, 14-7 मतलब दुगना हो गया है यहां पर लीड, और मतलब दुगना हो गया है दबाव सेंट पीटर स्कूल पर।
ये है कबड्डी की खासियत, पलक झपकते ही पासा पलट जाता है। क्या इस मैच में नाटकीय मोड़ आने वाला है? 3 पॉइंट का फासला, कितना करीबी मुकाबला, कांटे की टक्कर। जो आदमी उनको रेस में वापस लाया था वो अब रेस से बाहर हो गया थोड़ी देर के लिए। मोइनुद्दीन खान, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के डिफेंस को अब रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्ट करें अपने 3 पॉइंट की लीड को। और एक किक लगाकर वापस ध्रुव को आउट किया है, रनिंग किक लगाई मोइनुद्दीन खान ने। अब फासला सिर्फ 2 पॉइंट का। देखिए बिल्कुल मंजीत चिल्लर स्टाइल में ये किक लगाई थी राइट कॉर्नर के घुटने पर। पिछले रेड में 5 पॉइंट हासिल किए थे पर इस बार हुए असफल, क्योंकि जानते थे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की डिफेंस कि क्या करना है इस बार। पार्श्व पंचों को आउट किया, देखिए किस तरह से डिफेंस को पीछे धकेला था। लेकिन नंबर 7 जर्सी में आर्या का ये ब्लॉक आगोश में ले लिया रेडर को। आ गले लग जा मेरे दोस्त, 4 पॉइंट का फासला। अब आर्या को रिस्क नहीं लेंगे, पूरी रेड करेंगे और ये तोहफा मिल गया लेफ्ट कॉर्नर की ओर से। ये तोहफा, जरूरत नहीं थी इस टैकल की। और इसी के साथ फाइनल विसल, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जा पहुंचे हैं केबीडी जूनियर्स मुंबई लेग के सेमीफाइनल में। फाइनल स्कोर लाइन धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल 18 और सेंट पीटर स्कूल 13।